हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर। तो इस सीरीज में हम लोग रिएक्ट जीएस के साथ मल्टीपल कंपोनेंट को देखेंगे, और इससे पहले वाले सीरीज में हम लोग रिएक्ट जीएस के साथ जेएसएक्स को देखे थे, और जेएसएक्स से पहले वाले वीडियो में हम लोग कंपोनेंट को क्रिएट किए थे, जिसमें हम लोग सिंगल कंपोनेंट किए थे, और इस सीरीज में हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट को क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने एडिटर पे, जहाँ पे इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया है, और इसमें हमारा जो पिछले सेशन में कोड यूज किए हैं वो सारा ही कोड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा SRC फोल्डर है, इसके अंदर जो भी फाइल है सबको डिलीट करेंगे, सिवाय index.js को छोड़ करके। तो हमारा app.js इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम फ्रेश से यूज करते हैं इसको, हम index.js इसको डिलीट कर देते हैं कोड को, और फिर से नया से बनाते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट, उसके बाद रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिएक्ट, उसके बाद FROM फ्रॉम, उसके बाद RECT रिएक्ट, ठीक है। ये रिएक्ट कहाँ है, हमारा नोड मॉड्यूल से। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्ट डॉम को भी इंपोर्ट करना पड़ता है, पिछले सेशन में हम लोग यूज किए तो आप लोग को पता होगा। इंपोर्ट रिएक्ट RECT रिएक्ट डॉम DOM डॉम, उसके बाद फ्रॉम, और इसमें भी हम रिएक्ट डॉम, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। इस टाइप से करते हैं, उसके बाद हम फंक्शन इसमें अभी नहीं बनाते हैं। तो रिएक्ट रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर एक मेथड का यूज करते हैं, और उसके बाद राउंड ब्रेसेस, उसके बाद हमारा कंपोनेंट का नाम होगा, तो बाद में हम डालेंगे इसको, भी यहाँ रहने देते हैं। और एक चीज और कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, राउंड ब्रेसेस। और हमारा आईडी का क्या नाम है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ये देखिए आईडी का नाम रूट है, ठीक है। तो इस टाइप से रूट डालते हैं, यहाँ पे रूट, सॉरी ROT रूट। और यहाँ पे एक पारा, इसमें एक पैरामीटर और आएगा जो कि बाद में हम आपको यूज करके दिखाएंगे, फिलहाल अभी यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक कंपोनेंट और बनाएंगे हमारा, उसका नाम होगा ऐप, ABAP ऐप, app.js, ठीक है, ये हमारा बन गया। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इम्पोर्ट इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अब इसमें हमें रिएक्ट डाउन की यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें यूज कर लिया, और इसी के द्वारा हमारा डेटा index.html में जाएगा, तो इसलिए हमें रिएक्ट डाउन की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना, function, फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है, जेएसएक्स ही है, तो फंक्शन। उसके बाद हमारा क्या फंक्शन का नाम देते हैं, ऐप, ABAP ऐप। तो एक चीज याद रखिएगा, ये हमेशा कैप्स में ही डालेंगे, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, कुछ इस टाइप से करते हैं, फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर राउंड ब्रेसेस, और उसके बाद हम जैसे इसमें क्या पढ़े थे, ये हमारा सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है, इसलिए हम डिव ले लेते हैं, आप चाहे तो कोई और भी टाइप ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। उसके बाद इसमें क्या करना है, H1 लगा देते हैं, H1, और इसके अंदर डाल देते हैं हेलो टीच कोडर, हेलो टीच कोडर, ठीक है, हेलो टीच कोडर। उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, अभी एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा इसे, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसके बाद हमारा ऐप का नाम, यानी कि जेएसएक्स का नाम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसको अब इसमें यूज करना है, किसमें करना है, index.js में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट ऐप, आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ऐप ही डालें। उसके बाद ऐप फ्रॉम राउंड ब्रेसेस, सॉरी स्ट्रिंग, उसके बाद डॉट और बैक स्लैश डालेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, ये देखिए ऐप आ गया। चाहे तो app.js भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐप भी रखें, जो आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, और जो ये मतलब जो आप वेरिएबल का यहाँ पर नाम देंगे, इसी को कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे इस टाइप से करेंगे, तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एलिमेंट एलिमेंट की तरह जाता है, यानी कि टैग की तरह काम करता है। तो ऐप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब इसको रन करा करके पहले देख लेते हैं,
तो सबसे पहले रन कराने के लिए हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी डी एफ आई आर एस टी फर्स्ट ए डबल पी एप इंटर करेंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें इसे रन कराना पड़ेगा एन पी एम एस टी ए आर टी स्टार्ट, और इसको रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारा रन हो गया, ये देखिए हमारा सर्वर चल गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे भी ब्राउजर पे भी हमारा डिस्प्ले हो गया डेटा, ठीक है, जो हम टाइप किए थे। अब हम सेकेंड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, तो ये काम करते हैं, यहाँ पे सेकेंड डॉट जे एस टाइप कर देते हैं, SECOND सेकेंड डॉट जे एस के नाम से एक फाइल बनाते हैं, और ये हमारा फाइल बन गया। उसके बाद हम ठीक जैसे इसमें इंपोर्ट किए थे ऐप में, उसी टाइप से हम इसको इसमें भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और इसमें हम एक फंक्शन का नाम लेते हैं, तो इसमें ये हम फंक्शन नहीं कर सकते, हम JSX क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड SECOND सेकेंड, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद क्या करेंगे रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। अगर सिंगल एलिमेंट डालना है तो आप तो यहीं पे सिंगल एलिमेंट के साथ डेटा भेज सकते हैं, अगर मल्टीपल एलिमेंट भेजना है तो राउंड ब्रेसेस। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं H3 में H3 डाल देते हैं, और सॉरी उससे पहले हमें राउंड ब्रेसेस डाल करके इसमें क्या करना पड़ेगा, एक डिव एलिमेंट डाल देते हैं जो कि हमारा पैरेंट एलिमेंट हो गया, यही हमारा रिटर्न होगा सिंगल एलिमेंट के साथ। और इसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट यूज जितना मर्जी उतना कर सकते हैं, तो H3। और इसके बाद लिख देते हैं दिस इज सेकेंड कंपोनेंट COMPONENT कंपोनेंट। उसके बाद एक एलिमेंट और डाल देते हैं यहाँ पे P आई लाइक दिस, आई लाइक दिस कंपोनेंट, ठीक है, कुछ इस टाइप से लिख दिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट। उसके बाद डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आप लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पढ़े ही होंगे जावास्क्रिप्ट में, तो एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेटा भेजना है इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमारा ये रहा सेकेंड, इसी को यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे सेकेंड का एस कैप्स में होगा, ऑलरेडी ये याद रखिएगा, ये चीज मैं बार बार चीज ये नहीं बोलूंगा, ठीक। तो हमारा एक्सपोर्ट हो गया, अब इसको यूज करेंगे, हम करना चाहते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में नहीं, अब हम इसको यूज करना चाहते हैं ऐप डॉट जेएस में, क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसमें कर सकते हैं, देखिए इंपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे सेकेंड, ठीक है, सेकेंड फ्रॉम सेकेंड, ठीक। और देखिए इसको यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, सिंपल आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर देना है सेकेंड, और ये रहा, ठीक है, सेव कर दिया हमारा सेकेंड। पी इज नॉट डिफाइंड, पी कहाँ आ गया, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे पी टैग एलिमेंट में स्मॉल होता है, यहाँ पे हमने कैप्स में डाल दिया, ठीक है, सेव करते हैं, अब ये सही आ जाएगा, देखिए सही आ गया, और देखिए हमारा डेटा यहाँ पे दिख गया। तो जितनी मर्जी आप डेटा बना सकते हैं, इसी को देखिए हम कॉपी कर, एक काम करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, और इसको कर देते हैं रीनेम कर देते हैं थर्ड, THIRD थर्ड, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको वीडियो। तो यहाँ पे देखिए थर्ड डॉट जेएस बना लिया, और इसमें हम सेकेंड के जगह पे थर्ड कर देते हैं, ठीक है, THIRD थर्ड। और यहाँ पे भी हम दिस इज ए थर्ड कंपोनेंट टाइप कर देते हैं, थर्ड कंपोनेंट, आई लाइक थर्ड कंपोनेंट, ठीक है, सेव करते हैं। और इसको देखिए एक्सपोर्ट भी हमारा थर्ड को करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर दिए, सेव कर दिए। और इसको अब रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, अभी कुछ नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट किया नहीं। तो इंपोर्ट हम चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, चाहे तो हम ऐप में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब चलिए हम सेकेंड में ही इंपोर्ट करके दिखाते हैं, ठीक है, तो इम्पोर्ट THIRD कैप्स में आएगा, THIRD थर्ड FROM फ्रॉम,
और इस टाइप से करेंगे, ये देखिए थर्ड आ गया, और इस कंपोनेंट को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे कुछ इस टाइप से यूज कर सकते हैं। एक चीज और आपको बताना है, यहाँ पे देखिए हम लोग बार बार इस टाइप से यूज कर रहे हैं, चाहे तो हम शॉर्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे यूज होगा, सिंपल ऐसे कर लेंगे तो भी हमारा ये काम करेगा। ठीक है, सेव करते हैं और देखिए हमारा ये आ गया, दिस इज थर्ड कंपोनेंट, ये क्योंकि ऊपर हम लिख दिए हैं। ठीक है, और इसी को हम चलिए नीचे कर लेते हैं, कट एंड पेस्ट, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए दिस इज थर्ड कंपोनेंट। अब इसी को चाहे तो एक बार और पेस्ट कर देंगे तो और भी यही चीज आ जाएगा, पेस्ट, देखिए ये देखिए आ रहा है। ठीक है, जितना मर्जी उतने बार हम पेस्ट करेंगे उतने बार ये सारा डेटा डिस्प्ले होते जाएगा। अगर हम चाहें तो इसमें भी यूज कर सकते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी फाइल में हम इंपोर्ट करके इजली यूज कर सकते हैं। तो देखिए इंपोर्ट करने के लिए सिंपल ऐसे करना है, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, उस हमारा फाइल का इंपोर्ट हो गया, उसके बाद इसके ये हो गया हमारा। अब कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करा लेंगे, जहाँ भी आपको कॉल कराना है यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। चलिए हम इसको ऊपर ही कॉल करा के दिखा देते हैं आपको कुछ इस टाइप से, और उसके बाद हम इस टाइप से कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए पहले थर्ड आएगा, ये देखिए दिस इज थर्ड कंपोनेंट। तो आई होप कि ये सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज आप ये हमेशा याद रखिएगा कि सेकेंड आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि कंपोनेंट को जो हमारा एलिमेंट होता है उसको कॉल कराते हैं, तो कुछ इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंगल क्लोज के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से तो आपकी मर्जी, जैसे यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।